Choose the correct option which satisfies the Ohm's law. Option A, sigma directly proportional 1 by epsilon. B, sigma directly proportional epsilon. C, sigma equals to epsilon. And D, sigma equals to epsilon and sigma directly proportional 1 by epsilon. यानी कि sigma proportional, inversely proportional epsilon. ये JEE MCQ है जो कि इसे SSC JEE 2018 में पूछा गया है और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन Ohm's law को सेटिस्फाई करता है. सो फॉर अ करेक्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए हमें Ohm's law जानना होगा कि Ohm's law क्या होता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू Ohm's law Ohm's law कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, Ohm's law कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के. स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के. विद इन इलास्टिक लिमिट यानी कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन. अगर यहां से एप्सिलॉन का साइन हटाएंगे सो सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा ई एप्सिलॉन. ठीक है, जहां पे सिग्मा है स्ट्रेस, एप्सिलॉन है स्ट्रेन और ई जो है इसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा. यह स्ट्रेस है, यह स्ट्रेन है, इसका ग्राफ होगा लीनियर, जो ये बताएगा सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन. तो यही ऑप्शन हमें फाइंड करना है, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन. तो ऑप्शन ए क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन बी है सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन, तो ये होगा. ऑप्शन सी भी है जो कि है इक्वल है एप्सिलॉन की, तो ये नहीं होगा क्योंकि सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ई एप्सिलॉन. और ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं क्योंकि ये इक्वल है एप्सिलॉन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के. सो इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, सॉरी ये नहीं होगा. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. चूज द करेक्ट ऑप्शन विच सेटिस्फाई द Ohm's law. तो Ohm's law कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो ये था आज का क्वेश्चन. जय हिंद.